Yeah, good morning everyone. So students, how are you all? Hope you all are doing well. Students, I'm here again but more with one more video of your home activity and learning as well. बेटा आज हम पढ़ेंगे vocabularies. Vocabulary like spellings हम पढ़ेंगे, picture reading, basic vocabulary through पिक्चर्स. हम बेसिक्स कुछ स्पेलिंग्स पढ़ेंगे और पिक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे. और इसको अब आप सोचोगे कि हमें स्पेलिंग्स क्यों पढ़ा रहे हैं. हम स्पेलिंग्स इसलिए पढ़ते हैं, वोकैबुलरी हम इसलिए पढ़ते हैं कि एक तो हम स्पेलिंग सीखें, दूसरा हम नए वर्ड सीखें, और तीसरा उस वर्ड्स को किस तरीके से सही तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है वो सीखें. एक वोकैबुलरी, हम स्पेलिंग को ही बोलते हैं, एक वोकैबुलरी और स्पेलिंग के साथ बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं. नंबर वन, वोकैबुलरी मतलब नए वर्ड्स हम सीखते हैं. दूसरा, जब हम वर्ड सीखते हैं तो उसकी स्पेलिंग भी सीखते हैं, और जब स्पेलिंग सीखते हैं तो उसको प्रोनाउंस करने का तरीका भी सीखते हैं. तो आज वोकैबुलरी की जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे, दिस इज़ अबाउट फ्रूट्स. आज हम फ्रूट्स पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट फ्रूट इज पपाया. व्हाट इज पपाया? पपाया मीन्स पपीता. ये येलो और ग्रीन कलर दोनों में होता है. ग्रीन तब होता है जब ये कच्चा होता है, व्हेन इट इज़ रॉ. और ये पका हुआ तब होता, जब ये येलो तब होता है जब ये पका हुआ होता है, मीन्स राइप. और इसके अंदर के सीड्स हो जाते हैं ब्लैक. जब ये कच्चा होता है तब बाहर से ग्रीन और सीड्स इसके ब्लैक वाइट होते हैं, ठीक है. और जब ये पक जाता है तो ये बाहर से येलो और सीड इसके ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर इंटरनल सिस्टम. ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है बहुत, हमारा पेट साफ करता है, ठीक है. सो पपाया इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी बेनिफिशियल फ्रूट, ठीक है. नेक्स्ट इज कस्टर्ड एप्पल. ये एक एप्पल है जो पूरा दानेदार है. ये जो पार्टिकल्स देख रहे हो ना, लाइक इट इज़ ग्रीन इन कलर. पकने के बाद ये थोड़ा हल्का येलोइश हो जाता है. और ये हर एक पार्ट में, सी मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, ये बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, बीज की तरह लग रहे हैं. हर एक पार्ट में बीज है, ठीक है. देर आर मल्टीपल सीड्स आर देयर इन साइड दिस एप्पल. इस एप्पल में बहुत सारे सीड्स होते हैं, और इस सीड्स को ही हम खाते हैं. इस सीड के आसपास जो पल्प लगा रहता है वो हम खाते हैं. और ये जितने आप डॉट्स देख रहे हो सब सीड्स हैं. नेक्स्ट इज एप्पल. इसमें भी सीड होते हैं. इट इज़ रेड इन कलर. इट इज़ फुल ऑफ विटामिन. गुआवा इज अमरूद. इट इज़ ग्रीन इन कलर. ये भी सीड में सीड से भरा हुआ होता है, और इसके सीड बहुत छोटे छोटे होते हैं. दिस इज पीच, ठीक है. इसमें ब्लैक कलर के दो सीड्स होते हैं. दिस इज़ ऑरेंज. और ऑरेंज की खास बात क्या पता? ऑरेंज की खास बात है दैट इट इज़ द ओनली फ्रूट इन इट्सेल्फ विच इज़ ऑरेंज इन कलर, और जिसका नाम भी ऑरेंज है. इसका नाम इसका कलर के साथ है. ये कलर भी ऑरेंज है और ये फ्रूट भी ऑरेंज है. और ये बहुत रिफ्रेशिंग फ्रूट होता है और बहुत जूसी फ्रूट होता है, ठीक है. इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी. इट इज़ रेड इन कलर. ये थोड़ा टैंगी टैंगी सा फ्रूट होता है, थोड़ा मीठा भी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है. एंड दिस इज प्लम. जैसे बेर होता है ना, उससे मिलता जुलता प्लम होता है, और ये प्लम बड़ा होता है साइज में, ठीक है. सो दीज आर 8 फ्रूट्स जिसमें मल्टीपल सीड्स होते हैं, ठीक है. एंड फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. इट प्योरीफाइज अवर सिस्टम, ठीक है. इट इन्हेंसेज द वाटर लेवल इन साइड अवर बॉडी, राइट. सो दीज आर द बेसिक क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स. फ्रूट्स खाना बहुत बेनिफिशियल होता है, और ये आप जितने भी फ्रूट्स खा लो इससे वेट नहीं बढ़ता, वेट कंट्रोल होता है, ठीक है. सो हम अब प्रोनंसिएशन पर ध्यान देंगे. PAPA पपाया, CUSTARD कस्टर्ड एप्पल, APPLE कस्टर्ड एप्पल. This is only apple, APPLE apple. Guava, GUAVA guava. Next is peach, P
PEACH, ये भी कैसा फ्रूट है जिसका नाम उसके कलर पे ही है। ये कलर भी पीच है और इस फ्रूट का नाम भी पीच है, ये फ्रूट भी पीच है और इस फ्रूट का कलर भी पीच है, ठीक है। ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ये ऑरेंज है और इसका कलर भी ऑरेंज है, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी एंड द लास्ट वन इज प्लम। वंस अगेन, पपाया, कस्टर्ड एप्पल, एप्पल, ग्वावा, पीच, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, प्लम, ओके। सो बच्चों, ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। यू नीड टू गो थ्रू दिस वर्ड्स, लर्न द स्पेलिंग्स बाय हार्ट, राइट इट डाउन इन योर रफ कॉपी, फिर इसको फेयर कॉपी में भी लिखना है, और पेरेंट्स को लिखने से पहले पेरेंट्स को सुनाना है, तब आपको पता चल जाएगा आपको स्पेलिंग्स लर्न हुई हैं कि नहीं, आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।